बोलिए क्या चाहिए? मुझे शर्ट पैंट चाहिए। साइज बताइए अपना। पैंट की साइज है 28 और शर्ट की है 38। चलिए दिखाइए। अरे वाह, इतना अमीर कस्टमर। ये मुझे कुछ एक्सपेंसिव कोट्स और जैकेट दिखाइए। जी श्योर सर। जी ये देखिए सर, सबसे प्रीमियम शर्ट कलेक्शन, पूरे शहर में आपको ये शर्ट नहीं मिलेगी। कुछ एक्सपेंसिव तो दिखाइए, ये क्या दिखा रहे हो? यस सर, यस श्योर। या दिस वन। ये हुई ना कुछ बात, 10,000 से नीचे की शर्ट्स तो मुझे पसंद ही नहीं आती है। इसे पैक कर दीजिए आप। okay, तब तक मैं ये स्टोर घूम लेता हूँ, कुछ और देख लेता हूँ, क्या पता कुछ और पसंद आ जाए। यस सर, हमारे स्टोर में बहुत सारी वैरायटी है। ओके, आई विल सी। मैम मैम जल्दी चलिए, स्टोर पे से कुछ एक्सपेंसिव ब्रांडेड टी शर्ट गायब है, बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रही है। क्या बात कर रही हो तुम? यस मैम, मेरा शक सही निकला, जरूर उस चप्पल और कुर्ते वाले आदमी ने चुराया है, वो शक्ल से ही चोर लग रहा था। अब मैं उसी की चप्पल से उसके बैंड में जाती हूँ, चलो मेरे साथ। चोर पकड़ा गया रंगे हाथों तू आज। सच सच बता, मेरे दुकान से चुराए हुए कपड़े कहाँ रखे तूने? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। इस तरह से आप चोरी का इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती हैं। पकड़ा गया तो बड़बड़ा रहा है, मेरे स्टोर से कपड़े गायब हैं। वो वैसे भी यहाँ गरीब और चोर जैसी शक्ल भी तेरी ही है, वरना ये हवाई चप्पल पहन के इतने महंगे स्टोर पे तू क्या कर रहा होता? कपड़ों से साफ झलक रहा है कि तू ही चोर है। तेरे को तो मैं बताती हूँ, पुलिस के हवाले करती हूँ तेरे को। चल बिलिंग आप जल्दी कीजिए, और ये आपके दुकान पे जो भी लगा रखा है ना ड्रामा, ये बंद कीजिए प्लीज, मुझे जाना, मैं लेट हो रहा हूँ। असली चोर तो इधर है, उसने अपने कोट के अंदर सारी शर्टें छुपा के रखी थी। बाहर से तू एकदम टिप टॉप दिख रहा है, अंदर से काम चोरी के करता है, उल्लू बनाता है हमें। तू कभी पुलिस के हवाले करती, तुझे पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे ना जब पास चलेगा तेरे को, हारी अकड़ बाहर आ जाएगी। नहीं मैडम, पुलिस के हवाले मत कीजिए, गलती हो गई, माफी मांगता हूँ मैं आपसे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पुलिस के हवाले करो उसे। मैडम आप तो मेरी बिलिंग कर दीजिए, अब तो चोर का पता चल ही गया। मैं सीसीटीवी में सब देख रहा हूँ, बहुत ही शर्म की बात है कि तुम लोग इंसान की पहचान उसके दिल से नहीं बल्कि उसके कपड़ों से करते हो। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा ना हो। सर बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई हमसे, उसके लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। बेटा बिना किसी को जाने उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे कोई दिखने में कैसा भी दिखता हो, समझिए। ये बेटा लो मेरा कार्ड और मेरी शर्ट्स की पेमेंट्स। जी सर आई। कोई बात नहीं सर, ये सारी शर्ट्स आपने ली है? ये तो हमारे स्टोर की सबसे महंगी शर्ट्स हैं, गिने चुने अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते हैं। आपका कुर्ता और चप्पल देख के लगा ही नहीं था कि आप ये खरीदने आए हैं। ऐसा कहाँ लिखा है, जो साधारण कपड़े में रहते हैं उनकी कोई हैसियत या इज्जत नहीं होती। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। चलो क्षमा किया, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि किसी को उसके कपड़े को देख करके उसको जज मत करना, गरीब आदमी भी सूट बूट पहन सकता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपने।